दीदी मेरा बेटा ना बहुत पतला है, बहुत दुबला है, सूख के कांटा हो गया है, पनपता ही नहीं है। जहां मैं जाती हूँ नानी दादी हर कोई बस यही कहता है कितना दुबला है कितना पतला है, इसको कोई वजन बनाने का टॉनिक दे दो। टॉनिक क्यों चाहिए आपको? एक बात समझिए, अगर कोई बच्चा दुबला पतला दिखता है तो ये जरूरी नहीं है वो कमजोर है, और अगर कोई बच्चा मोटा है तो ये जरूरी नहीं है वो तंदुरुस्त है। अब जब आप ओपीडी में आते हैं ये बता के कि बच्चे का वजन कम है या पनप नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, तो सिर्फ वजन के आधार पर नहीं डिसाइड किया जाता कि वो कमजोर है। बच्चे की लीनियर ग्रोथ, हाइट वेलोसिटी, ग्रोथ वेलोसिटी देखी जाती है, जिसमें उसके उम्र के हिसाब से उसका वजन, उसके वजन के हिसाब से उसका हाइट, सब कुछ असेस किया जाता है। वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज, सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है वो कमजोर है या नहीं। और 99% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। बच्चे का बिल्ट वो कैसा है ये उसके जेनेटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, किसी टॉनिक या खाने पर नहीं। तो अगर आपका बच्चा अलर्ट है, एक्टिव है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो चाहे उसकी हड्डियां दिख रही हैं, हाथ पैर पतले हैं, इन बातों से निश्चिंत रहिए कि वो कमजोर है। और जो आपको इतना सुना रहे हैं उनको जाकर या एजुकेट कीजिए या उनकी बातों को बिल्कुल सुना अनसुना कर दीजिए। थैंक यू।